दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एक ऐसे ही आप बैंक अकाउंट की तलाश कर रहे हैं लेकिन अभी तक की वो अकाउंट आपको नहीं मिल पा रहा है, जो अकाउंट आपका घर बैठे ओपन हो जाए, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस अकाउंट को आप यूज़ कर सको और हमेशा हमेशा के लिए वो लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट के अंदर आपको एक रुपया भी मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े और बाकी जो रोज़ाना हमें डिजिटल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। एक अगर आप एक ऐसे ही जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश कर रहे हैं तो अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो ये तलाश आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी आपको बैंकें देखने को मिल जाती हैं जो कि कहने के नाम पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देते हैं, लेकिन जब आप वो अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई पैसा आपको मेंटेन करना पड़ता है या फिर उस अकाउंट के अंदर आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ बैंकों के हम यहाँ पर नाम बता देते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप ICICI बैंक के अंदर अपना कैंपस पावर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको 95,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। अगर आप यहीं पर एक्सिस बैंक के अंदर MS सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको एनुअल 2,200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यहीं पर अगर RBL बैंक के अंदर अपना गो टू सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी आपको 1,999 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब बात यह है कि हम अकाउंट ओपन करें तो कौन सा ओपन करें। तो अगर आपको एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो इंडसइंड बैंक की तरफ से इंडस डीलाइट AMF सेविंग अकाउंट एक प्रोवाइड कराया जाता है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही इस अकाउंट को डिजिटल घर बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। ना तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत है और ना तो किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म फिल करने की आपको ज़रूरत है। अब ये डीलाइट AMF सेविंग अकाउंट ओपन करने के आपको यहाँ पर दो प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इसका दोस्तों पहला जो प्रोसेस आपको मिल जाता है वो यहाँ पर डीलाइट मास्टर कार्ड के साथ में ओपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, बाकी दुनिया भर के ढेर सारे इसके अंदर आपको ऑफर वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। यहीं पर दूसरा दोस्तों यहाँ पर वीजा गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑफर के नाम पर जीरो होगा, यानी कि ऑफर वगैरह नहीं मिलेगा, बाकी आपका इसका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है कि अगर आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से डीलाइट AMF सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और ओरिजिनल पैन कार्ड भी होना चाहिए। समझ लीजिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद में इंस्टेंटली अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद में ही दोस्तों आप इसके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं और लगभग 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर बैंक की तरफ से चेकबुक और ATM कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर हम इस डेबिट कार्ड की लिमिट की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर ATM से विड्रॉ करते हैं तब यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की लिमिट देखने को मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन या फिर POS आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1,00,000 रुपये की लिमिट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इस अकाउंट को ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है। आप दोस्तों इंडसइंड बैंक की तरफ से डीलाइट MF सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए इस पेज पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब भी आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा तो जो भी इसके अंदर पैसा आप जमा करके रखेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 6.75% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहीं पर अगर आप इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि 7.75% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑफर इसके अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिलते रहते हैं, अभी हम ऑफ़र के बारे में आगे बात करेंगे। अब नीचे आपको दो प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले नीचे आप देख सकते हैं ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। या बाय द वे अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं वहाँ पर आपका पेज फेल्ड हो गया है तब के लिए आप यहाँ पर रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओपन योर अकाउंट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर को ही अपने अकाउंट नंबर बना सकते हो या अपना मन चाहे कोई भी नंबर को अपना अकाउंट नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे और जैसे टाइप करेंगे अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ही हूबहू अकाउंट नंबर बनकर यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों हमने मोबाइल नंबर को टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अवेलेबल लिखकर आ चुका है, यानी कि हम अपने मोबाइल नंबर को ही अकाउंट नंबर बना सकते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। अब वो वाली OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे
और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे अपना आधार नंबर टाइप कर सकते हैं या फिर अपना वर्चुअल आईडी यहां पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पेन नंबर जो है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देना है। जैसे पेज को आप ऊपर को बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं कि सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी का मैसेज मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, अब वो वाली ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ आपको एप्लीकेंट डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों अपनी एक ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने माताजी का नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम टाइप करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको एक्यूपेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन ऑफ बिजनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर कितने बिजनेस करते हैं, एक या दो, ऐसे आपको यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मंथली इनकम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो एक महीने में दोस्तों कितने पैसे आप कमा लेते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे दोस्तों आधार कार्ड के मुताबिक हमारा परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले बॉक्स पर आपको चेकआउट कर देना है। ये ध्यान रहे किसी भी बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो वेलकम किट है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही भेजी जाती है, तो अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर चेकआउट कर देंगे तो दोनों एड्रेस हमारे सेम हो जाएंगे। और इसी के बाद में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपको नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना है तो यहां पर अपना फुल नेम टाइप कर देंगे, जिस भी नॉमिनी का नाम ऐड करें उसका नाम यहां पर टाइप करेंगे, यहां पर दोस्तों क्लिक करेंगे जो अकाउंट ओपन कर रहा है और नॉमिनी का रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देंगे। बाय द वे अगर नॉमिनी की पूरी डिटेल नहीं है और आप बाद में ऐड करना चाहते हैं तब के लिए दोस्तों आप इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देंगे तो नॉमिनी आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे पेज को थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे तो एडिशनल डिटेल्स का आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपके कोई शरीर में अगर प्रॉब्लम वगैरह है तो आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे, वरना आप यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो हम यहाँ पर इंडिया के अलावा कहीं भी टैक्स पे नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है पीईपी का आपको डिक्लेरेशन देना होगा, यानी कि आप राजनीतिक से तो नहीं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एस या नो में आपको जवाब दे देना है। यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों आपके घर के जो भी नज़दीक इंडसइंड बैंक की ब्रांच हो उस ब्रांच का नाम आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसी के नीचे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कुछ आपको ऑप्शंस और देखने को मिल जाएंगे। साफ साफ यहां पर दोस्तों बताया गया है डीबीटी के बारे में, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि अगर आप कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो वो अब आपके डायरेक्ट अकाउंट नंबर में नहीं जाता है, बल्कि जो आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होता है उस बैंक के अंदर आपका जो सरकारी योजनाओं का पैसा वो जाता है। तो अगर आप डीबीटी की सर्विस लेना चाहते हैं तब तो दोस्तों आप यहां पर ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको साफ साफ एक ऑप्शन मिल जाएगा एस करने का, आपको एस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी इसी बैंक के अंदर डीबीटी लिंक हो जाएगी। अगर आप किसी और बैंक के अंदर डीबीटी की फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा पेज को ऊपर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप ये वाला अकाउंट इंडसइंड बैंक के किसी स्टाफ की मदद से आप ओपन कर रहे हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर बॉक्स पर अनटिक कर देना है या फिर दोस्तों टिक रहने देना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमने बताया था कि आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से इंडस डी लाइट एएमएफ सेविंग अकाउंट ओपन करने के दो प्रोसेस आपको मिल जाते हैं। पहला तो आप यहाँ पर डी लाइट मास्टर कार्ड के साथ में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फिजिकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा और इसका फिजिकल डेबिट कार्ड का 590 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसके अंदर ढेर सारे आपको ऑफर देखने को मिलेंगे। यहीं पर अगर आप वीजा गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर 1 रुपये की यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डेबिट कार्ड का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर मास्टर कार्ड वाले वेरिएंट को सेलेक्ट करा है, तो ये सारे हमको अमेजॉन ऑफ़र, बिग बास्केट ऑफ़र, स्विगी ऑफ़र, बुक माई शो ऑफ़र, ऐसे बहुत सारे हमको इसके अंदर ऑफ़र वगैरह देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही यहाँ पर जो भी हम डेबिट कार्ड के थ्रू अपना स्पेंडिंग करेंगे वहाँ पर हमको कैशबैक वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर यहीं पर हम वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर कोई भी हमें ऑफर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब डिपेंड यह आपको करता है कि अगर आपको ATM से पैसे वगैरह निकालने हैं, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड है, तब के लिए आप यहाँ पर मास्टर कार्ड वाले वेरिएंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की कोई भी नीड नहीं है तो आप यहाँ पर वीजा गोल्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ में आप जा सकते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे, आइए यहाँ पर हम सेवन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों साफ साफ आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन करते ही समय पर आप इसकी मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं ताकि इसके बाद में मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर पाओ। तो इसके लिए अपना एक यूज़र नेम टाइप करेंगे, जो भी MPIN रखना चाहते हैं टाइप करेंगे, दोबारा से उसी MPIN को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आप पर WhatsApp पर भी इसका अपडेट चाहिए तो इस बॉक्स पर भी चेकआउट कर देंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बैंक की तरफ से आधार कार्ड के मुताबिक जो भी हमने अभी तक यहाँ पर पूरे फॉर्म को फिल किया है पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसे एक बार पूरी जानकारी को आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, देन इसके बाद में यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाएंगी, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद में एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फंड योर अकाउंट ओपनिंग का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर टोटल हमें 2000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने के बाद में। हालांकि ये पैसा आप अपने दूसरे अकाउंट के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड का कोई भी हमें चार्ज नहीं देना पड़ेगा, टोटल हमें 2000 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपनी UPI ID को टाइप करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो हम पेमेंट ऐड कर रहे हैं तो हमारा पेज जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में रिडायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम पेटीएम से पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों साफ साफ आप लाइव देख सकते हैं कि हमें 2000 रुपये का यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है, पेज हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट ही हमें यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अकाउंट नंबर मिल चुका है और यहीं पर हमें एक रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी वीडियो KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर गोटेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारा जो पेज है वो वीडियो KYC के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंडसइंड बैंक की तरफ से जो एजेंट है वो आपसे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड के बेसिस पे कुछ आपसे बेसिक जानकारी पूछ सकते हैं, आपका नाम, पता, डिटेल, एरिया कोड, ये कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। देन इसके बाद में आपका ओरिजिनल पैन कार्ड को चेकआउट करेंगे, अगर पैन कार्ड आपका सक्सेसफुल सही होगा और वो कैप्चर हो जाएगा तो इसके बाद में दोस्तों आपसे एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाएंगे। अब जैसे आपके सिग्नेचर कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कि थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और इसकी वीडियो KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। आप यहीं पर देख सकते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसके पूरे अकाउंट की जो डिटेल है वो आपकी ईमेल ID पर सेंड कर दिया जाएगा। ये तो कहने की बात है, बाकी अकाउंट की डिटेल तो इंस्टेंट ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक वेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखा दिया। तो आई होप अगर आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी सही लग गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।